बंद के दौरान बंद समर्थकों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने बंद समर्थकों को रोकने के लिए देखे यहां बल प्रयोग किया। डाक बंगला चौराहे पर सिटी एसपी एसडीएम समेत कई पुलिस अधिकारी की मौजूदगी रही। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। और देखिए दूर दूर तक प्रदर्शनकारी यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। बंद समर्थक भारी संख्या में पहुंचे थे और पुलिस उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीट रही है और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई उसके बाद लगातार प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद थे, यहाँ पर सिटी एसपी एसडीएम डीएसपी तमाम अधिकारी मौजूद थे। अब प्रदर्शनकारियों को दूर दूर तक खदेड़ा जा रहा है। सिटी एसपी सेंट्रल खुद यहाँ पर मौजूद थे और अब प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ा गया है। क्यों बल प्रयोग करना पड़ा आप लोगों को? ये भारत बंद वाले प्रदर्शनकारी जो है हिंसा पर उतारू हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ दिया, रूल ऑफ लॉ को ब्रेक किया, उसके बाद वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, वायलेंस पर उतारू थे, वैसे स्थिति में वाटर कैनन चला और हल्का बल का प्रयोग किया गया। पूरा नाम क्या होता है? एम एस खान मजिस्ट्रेट है डीएम कंट्रोल रूम के। और देखिए अब पुलिसकर्मी वापस लौटते हुए इधर तस्वीरों में देखिए, अब पुलिसकर्मी जो है यहाँ से लौट रहे हैं। काफी अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया यहाँ पर। और देखिए प्रदर्शनकारी ऐसे भागे कि वो अपनी गाड़ी भी छोड़कर यहाँ से भाग गए। अब पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ रही है गाड़ी को बंद करने में। जो प्रदर्शनकारी थे यहाँ से भाग चले हैं। ऑटो का शीशा यहाँ पर टूट गया है लाठी चार्ज के दौरान और अब प्रशासन इसको सीज करेगा। और कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब उनको वैकल्पिक जो जेल बनाया गया है वहाँ ले जाया जाएगा। और हम लोगों पे लाठी चार्ज करके अब पुलिस ले जा रही है। दलितों को बलात्कार किया जाता है, उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है, मगर दलित शांतिपूर्ण तरीके से आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो दलितों पे लाठी चार्ज किया जाता है। यही बिहार की सरकार है, यही केंद्र की सरकार है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हिरासत में ले जा रही है। अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो भारत बंद को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने इन बंद समर्थकों को रोकने के लिए देखिए कैसे यहां पर बल प्रयोग किया। इस दौरान पुलिसकर्मी ने एसडीएम पर भी लाठी चार्ज कर दिया। दरअसल एसडीएम श्रीकांत खांडेकर बंद समर्थकों को ही हटा रहे थे और तभी एक पुलिसकर्मी ने उन पर ही लाठी चार्ज कर दिया। देखिए ये तस्वीर आपके सामने है जब एसडीएम साहब यहां पर बंद समर्थकों को हटा रहे थे और उसी दौरान उन जो पुलिसकर्मी थे उनकी लाठी जो है वो एसडीएम साहब पर ही चल जाती है। तो ये तस्वीर आपके सामने है और ये वो बंद समर्थकों की गाड़ी है जो आपको सड़कों पर नजर आ रही होगी। जैसे ही लाठी चार्ज शुरू हुआ, बल्ब का प्रयोग किया क्या, वैसे ही ये बंद समर्थक यहां से तो भाग गए लेकिन उनकी गाड़ी जहां की तहां ही रह जाती है। और उसके बाद पुलिसकर्मी जो है वो यहां पर पहुंचते हैं और इसी दौरान एसडीएम साहब भी ठीक बगल में आपको सफेद रंग की शर्ट में नजर आ रहे होंगे। लेकिन पुलिस वालों का जब डंडा चल रहा था तो उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये बंद समर्थक हैं या फिर एसडीएम साहब हैं। पीछे से जैसे ही एक डंडा एसडीएम साहब को लगता है उसके बाद उन पुलिस वालों को ये समझ में आया कि भाई एसडीएम साहब के ऊपर ही लाठी चल गई है। और उसके बाद फिर से एक बार देखिए आगे की तरफ जो खड़े समर्थक आपको दिख रहे होंगे उनके ऊपर लाठियां भाजनी शुरू कर दी गई। तो सड़क पर अफरा तफरी का माहौल भी उस दौरान और बाद में हालांकि इस वाहन को सीज भी कर लिया गया है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। लेकिन बंद समर्थकों को हटाने के दौरान ही एसडीएम साहब के ऊपर भी ये लाठी बरस जाती है। हालांकि एसडीएम साहब खुद ही यहां पर बंद समर्थकों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, हटाने का प्रयास कर रहे थे। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये भारत बंद है। पटना सिटी में भारत बंद के दौरान दुकानों को बंद रखा गया और उसका असर भी दिख रहा होगा तस्वीरों में आपको, जहां पर एक एक दुकान और प्रतिष्ठान बंद दिख रहे हैं। कई स्थानों पर अगर बात करें तो इन बंद समर्थकों ने दुकानों को जबरन भी बंद करवाया जो दुकानें खुली हुई थी। वहीं कई स्थानों पर दुकानदारों ने सुरक्षा के लिहाज से अपनी दुकानों को स्वतः ही बंद रखा था, प्रतिष्ठानों के ऊपर ताला लगा कर रखा गया।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पटना सिटी के सुल्तानगंज, आलमगंज और खाजेकला इलाके की है, जहां दुकानदारों ने जान माल की सुरक्षा को लेकर अपने अपने दुकान और प्रतिष्ठान को बंद कर दिया। तो नवादा में बंद समर्थक अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने शहर के प्रजातंत्र चौक पर टायर जलाकर अपने विरोध को जाहिर किया और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए आपको इन तस्वीरों में दिख रहे होंगे। हाथों में झंडे और बैनर के साथ ये प्रदर्शनकारी जो हैं ये सड़कों पर आज आपको सुबह से दिख रहे होंगे। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवा जो है वो किसी तरह की कोई परेशानी उसे ना हो ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। भारत बंद का असर अलग अलग प्रखंड में देखने को मिला। तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उस पर इसका कोई असर ना हो ये भी तय किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं नवादा की, जहां पर बंद समर्थकों ने अपने विरोध को टायर जलाकर जाहिर किया। पटना सिटी के सुल्तानगंज में राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश जो है वो इस विरोध के तौर पर दिखाया गया। छात्रों और कार्यकर्ताओं ने सुल्तानगंज के पास सड़क पर आगजनी कर नाराजगी जाहिर की और संविधान के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगा दिया। साथ ही आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर पूरे देश भर में उग्र आंदोलन चलाए जाने की चेतावनी दी। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन हालांकि पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती आपको आज नजर आ जाएगी। चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण मिले और पूरे देश में जाति जनगणना हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार कानून बनाकर के वापस ले। इसलिए हम लोग भारत बंद के लिए उतरे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण के किसी भी प्रकार का हम लोग समझौता नहीं। अगर ये बाबा साहब अम्बेडकर ने छुआछूत के नाम पे या उसके अस्पृश्यता के नाम पे जब रिजर्वेशन दिया तो आइए सुप्रीम कोर्ट क्या क्या औकात होती है कि जो है सामाजिक के आधार पर जो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। अरे सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है, हमारे कानून को सुरक्षा देना, संरक्षण करना, ना कि वो कानून बनाना। वो संविधान से बढ़कर नहीं ना है, वो संसद से बढ़कर नहीं ना है सुप्रीम कोर्ट। तो वहीं छपरा में भारत बंद के आह्वान के बाद आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के समर्थक सड़कों पर आज नजर आए। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जाहिर किया जा रहा है। छपरा में कई महत्वपूर्ण सड़क बंद समर्थकों के कब्जे में है। दारोगा राय चौक पर बंद समर्थकों ने देखिए क्या स्थिति बना दी, जहां पर टायर जलाकर वाहनों की आवाजाही को रोका गया। बंद समर्थकों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। का डिमांड है जो सुप्रीम कोर्ट से कोटा में कोटा का जो प्रावधान है क्रिमिनल लेयर का जो प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, हम लोग उसके विरोध में आज पूरा भारत बंद किए हैं। छपरा में बहुत अच्छा तरह के बंदी है, पूरा सगरो बंदी है। मुद्दा जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोटे में कोटे का जो प्रावधान किया है क्रिमिनल लेयर का, उसके विरोध में हम ये पूरे भारत में बंदी पर आए हुए हैं। और ये जो है सिर्फ एससी एसटी में ही कोटे पर कोटे करने का ये जो हुआ है ये सब भारत के संविधान का विरोध है और उस संविधान के समर्थन में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में पूरे भारत में खड़े हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर भारत बंद का समर्थन करते नजर आए। सांसद ने आरएन साउथ चौक पहुंचकर आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के साथ समर्थन इसका किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने दबे कुचले लोगों को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार उसे धीरे धीरे खत्म करना चाह रही है, जिसे बचाने के लिए हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। नौकरी को रोजगार को प्रश्न दे दिए, सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद आप लगातार शुरू से एसटी एससी का मूल्यांकन नहीं किए कि आरक्षण के बाद कितना उनके आर्थिक शैक्षणिक उनके अधिकार को सम्मान मिला कि नहीं। आप डाक दरवाजे से यदि आप क्रिमिलियर एसटी एससी में भी लोगे 1.3% भी उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला,
तो भैया ये तो आपस में विवाद के साथ साथ आपकी मंशा सही नहीं है कि आप तो शुरू से आप आरक्षण विरोधी दिखते हैं। तो भारत बंद और सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सिवान में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भारत बंद का आरएलजेपी जिला अध्यक्ष महादेव पासवान ने भी समर्थन किया। शहर के जेपी चौक, गोपालगंज मोड़, सिवान छपरा मुख्य मार्ग और सिवान गोपालगंज मुख्य सड़क को बाधित कर दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस भी हालांकि सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रही है। भारत बंद का जायजा लिया सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। भर्ती परीक्षा भी है और भारत बंद, सिपाही भर्ती परीक्षा और भारत बंद को लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान जेपी चौक की है, जहां भीम आर्मी और अन्य दलों द्वारा भारत बंद किया गया है। सिवान के हर चौक चौराहे पर सड़क जाम की गई है, जिसे यातायात पूरी तरह बाधित है। आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं यहाँ, हम जाने की कोशिश करेंगे जाम को लेकर क्या क्यों जानती है। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विगत 1 अगस्त को एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें भारत के संसद में जब बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने जब लिखा था, तो बाबा साहब ने कहीं जिक्र नहीं किया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में वर्ग विभेद होगा। एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जानबूझ करके जो दलितों को, आदिवासियों को अधिकार है, उसे क्रीमी लेयर ला करके वंचित रखने का प्रयास कर रहा है कि जब हम इसमें वर्गीकरण कर देंगे, कम पढ़े जो मार्क्स का निर्धारण आप देखते हैं, कोई भी प्रतियोगिता है, परीक्षा होती है, तो उसमें मार्क्स का निर्धारण होता है, उस मार्क्स तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ युवा भी कुछ करेंगे, क्या कहेंगे सर? मैं ये चाहूंगा कि इस आरक्षण को वर्गीकरण में ना बांटा जाए। आरक्षण को वर्गीकरण में बांटने से ये हम घटा हो रहा है कि मान लीजिए ऐसा कह रहा है कि जिन बच्चों का अगर नौकरी हो रहा है, उनके आने वाले भविष्य के बच्चों का नौकरी नहीं होगा। मतलब एक घर में एक ही नौकरी होना चाहिए। राकेश कुमार राम, आरक्षण को नहीं बांटा जाए, वहीं परीक्षा है और भारत बंद भी, परीक्षा को लेकर हम जाने की कोशिश करेंगे। टाउन इंस्पेक्टर यहाँ पे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस पदाधिकारी फोर्स की व्यवस्था है, सभी जगह पैदी नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन लगातार आह्वान कर रहा है कि आप अपनी बात को रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। आज परीक्षा और वहीं भारत बंद को लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो आरक्षण में कोटे के खिलाफ भारत बंद को लेकर राजधानी पटना के सरकारी बस डिपो से बस नहीं चल रही। बाईपास में कई जगह जाम लगा हुआ है और इसलिए बस स्टैंड में भी गाड़ियां जहां तहां आपको सिर्फ खड़ी नजर आ जाएंगी। बस नहीं चलने से दूसरी तरफ यात्रियों को जरूर परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी जगह जाने में अब ये यात्री जो है इधर उधर टहलते हुए आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें वाहन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, अभी जाएंगे हम लोग कैसे दरभंगा? ट्रेन भी नहीं मिल रहा है, टिकट भी टाइम पे से नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहा है बस वाला, क्यों नहीं जा रहा है? मालूम नहीं, अभी बोल रहे हैं बंद कर दिया है, आज 4-5 बजे तक चालू होगा, क्या होगा मालूम नहीं। मुझे डी ओ ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। क्या कारण हुआ? बस सारी बस जाने से मना कर रही है कि आज भारत बंद है, हम लोग परिचालन बंद किए हुए। तो फिर आज फंस गए? जी बिल्कुल फंस गए। 2-4 घंटे के लिए बीच में बंद कर रहे हैं, सुबह शाम परीक्षा। अभी प्रचारण को लेकर कुछ आदेश नहीं चलाने को लेकर कुछ कर। तो SC ST में आरक्षण और उस आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसका असर बेगूसराय में भी नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने NH 31 को देखिए जाम कर दिया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम से लोगों को आवाजाही में अब परेशानी उठाना पड़ रहा है। सूचना पर पहुंचे सदर DSP और STPO ने लोगों को समझाकर जाम को हटाने की कोशिश जरूर। चौबीस के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में आज संपूर्ण भारत बंद किए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा संपूर्ण भारत बंद का ऐलान हुआ और उसी के अंतर्गत आज बेगूसराय जिला का भी चक्का जाम है। और हमारी मांगे सिर्फ ये है कि हम अनुसूचित जाति को आपस में बांटने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। गोपालगंज में भारत बंद को लेकर प्रदर्शनकारियों ने NH 27, NH 531 सहित कई सड़कों को जाम कर दिया। काफी संख्या में महिलाएं और छात्राएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। जो
बंद का असर गोपालगंज में भी देखने को मिल रहा है। भारत बंद के समर्थन में पूरी इस वक्त कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर रहा है। तमाम लोग भी इन लोगों से बात करेंगे। भारत बंद कितना सफल है आज? आज भारत बंद पूरी तरह से सफल है। पूरे जनता से, जिले के प्रत्येक पंचायत से, प्रत्येक गाँव से, यहाँ तक कि वार्ड से लोग पहुँचे हुए हैं। 25 से 30 हज़ार के तादाद में लोग हैं। सभी लोग संवैधानिक तरीके से लोगों से आग्रह कर रहे हैं और लोग जो हैं संवैधानिक दायरे में रह के अपने सभी बंधुओं से, व्यवसायी भाइयों से, देश की जनता से निवेदन किए हैं। यहाँ के व्यवसायी भाई भी अच्छे हैं, वे लोग हमारा आंदोलन में साथ दिए हैं। आंदोलन पूरी तरह सफल है। सभी समाज, सभी न्यायप्रिय लोगों का समर्थन मिला है। पूरे दलित समाज, अम्बेडकरवादी लोग, OSC ST OBC लोगों का भी समर्थन है। तमाम लोगों का, गोपालगंज जो न्यायप्रिय लोग, सभी समाज के लोगों का समर्थन मिला है। सभी सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवियों का और आम लोगों का सहयोग मिला है। और गोपालगंज जिला का सभी शहर बंद है, आप घूम करके देख लीजिए, चक्का भी जाम है, कहीं कोई गाड़ी नहीं चल रही है। और सभी जिला मुख्यालय से लेकर के प्रखंड मुख्यालय, सभी चौक चौराहा बाजार बंद है। तो भारत बंद के तहत गोपालगंज में तमाम दुकानें बंद है। वहीं अगर बात करें गोपालगंज सिवन हाईवे की या फिर NH 27 की, तो सड़कों पर भी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। गोविंद कुमार, News 18 गोपालगंज। तो सहरसा में भारत बंद का असर नजर आ रहा है। भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने थाना चौक के पास सड़क को जाम कर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही शिवपुरी ढाबा के पास ट्रेन को रोककर विरोध जाहिर किया गया। स्टेट हाईवे बलुआहा पुल पर आगजनी करते हुए रोड को जाम किया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विरोध भी, और अब इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। कोई भीख में नहीं मिला है आरक्षण, कोई माने आधार पर नहीं मिला। छुआछूत, भेदभाव हम लोगों को साथ, हिरदन के साथ अत्याचार जो हो रहा था, इसके कारण दलित शोषित को जो अत्याचार के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को आरक्षण दिया है, उस आरक्षण के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट या ये सरकार गलत ढंग से इसको यूज करता है और हमें लोग को बांटने के अधिकार समाप्त करना चाहता हमारे आरक्षण का। सुप्रीम कोर्ट में जितना भी जज है, एक भी सारे स्वर्ण जज है, एक भी जज है SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं है। किस चीज़ को लेकर आप बंद किए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि सरकार से वर्गीकृत जो है ये किया जा रहा है हमारे समाज के साथ, जो आरक्षण में जो वर्गीकृत है लागू किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको वापस लिया जाए, यही मांग है हमारे समाज को और हम लोग का।